किसान भैया आए हम, हमारे सारे खेत उजाड़ रहे हैं। अपने स्कूल में इकट्ठा करने की बजाय अपने ग्राम समाज की जमीन पर स्थाई गौशाला बनाकर वहाँ पर क्यों नहीं छोड़ी? ये तो गौशाला है ही ना। अच्छा, इस चीज की अनुमति किसी से ले ली थी स्कूल में? ये तो वही जाने किसने इकट्ठी कराई? गांव वाले ने मेरा इधर हाथ लिखने की बात जिले की बात करिए, हमारी सबकी बात है। पूरे गांव का समूह है ये। जैसे गांव में से किसी ने रोक करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश नहीं करी? रोकने की सब ला रहे घेर के रोकेंगे ना के खेत उजाड़ रहे। जब इकट्ठी करना चालू करें आपने, सभी लोग हैं एक ना है। उन मैडम ने आश्वासन दिया हमें, आपके गांव से दो दिन के अंदर हम अपनी टीम भेजेंगे और हम जो है आपकी दो दिन के अंदर समस्या समाधान करेंगे। हम उनके पास तीन बार पहुंचे हैं लेकिन वो नौकरी आपको सुनाई नहीं देता। हम दो दिन में आपकी गाय को पकड़वा के और आप हम भेजेंगे। तो हमने ये कही कह दी कहाँ भेजेंगे के वो वीडियो साहब बोले हम कहाँ भेजें इनके लिए, हमें चारे का इंतजाम नहीं है। तो फिर हम दोबारा गए उनके पास में, बोली कि इस बात से आपको क्या मतलब है? वीडियो साहब इंचार्ज हैं, वीडियो साहब भेजेंगे, जहाँ भी भेजेंगे वीडियो साहब भेजेंगे। वीडियो साहब और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई और उन्होंने अपने स्विच ऑफ कर लिए और हमसे कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं। हम परेशान हैं, हमने कोतवाल साहब को अवगत कराया है, हमने सबको प्रशासन को पूरे को अवगत कराया है, उन्होंने भी कॉलेज वालों ने भी अपने प्रशासन को सब पूरी पूरी रात जागते जागते है जाए। आप देख लें कितने कितने पशु हैं। छोटा गायों को बंद किया है आज ही संज्ञान में। किसने सूचना दी आपको? सूचना हमें तहसील हमारा जो मुंशी है उसके द्वारा मिली है। मैंने भी कॉल की थी, तो इन्होंने भी, प्रधान जी ने भी कॉल की। अब आप इस संबंध में प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा जो स्कूल में गाय बंद है? हम इसमें आगे उल्लेख करके भेज देंगे कि इस तरीके से स्कूल में ग्रामीणों ने गाय इकट्ठी कर रखी है, काफ़ी गाय हैं, इनका चारे की और व्यवस्था की जाए। गांव में कोई ग्राम समाज की जमीन नहीं है जिससे पशु आश्रय स्थल बनाया जा सके? ऐसी कोई जमीन नहीं है ग्राम समाज में जो आश्रय बनाया जा सके पशु।